बच्चों अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ मैट्रिक्स के अंतर्गत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर प्रेजेंट हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। आइए बच्चों इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम वाज मेंशन्ड बाय ए फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर रेने डेकार्टेस। निर्देशांक ज्यामिति पद्धति का उल्लेख फ्रांसीसी गणितज्ञ और फिलोसोफर रेने डेकार्टे ने किया। He gave information about how to determine any object or point in a plane, समतल में किसी वस्तु या बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है के बारे में जानकारी। He described the method of finding the location of a point. पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, समतल में दो लंबवत रेखाओं की मदद से किसी बिंदु की स्थिति निकालने की विधि का वर्णन इन्होंने किया। दिस सिस्टम इज स्टिल कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम आफ्टर हिज नेम। इस पद्धति को उनके नाम पर आज भी कार्तीय पद्धति कहा जाता है। लेटर दिस सिस्टम वाज डेवलप विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा, आगे चलकर एलजेब्रा की सहायता से इस सिस्टम का विकास हुआ। टुडे वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सिचुएटेड इन द प्लेन थ्रू दिस सिस्टम। टूडे वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सिचुएटेड इन द प्लेन थ्रू दिस सिस्टम, समतल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी आज हम इस सिस्टम के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लाइंस इन द प्लेन कैन बी फाउंड थ्रू दिस सिस्टम, समतल में स्थित रेखाओं का मध्य बिंदु इस सिस्टम के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। थ्रू दिस सिस्टम वी कैन स्टडी सर्किल्स पैराबोला हाइपरबोला ट्रेंगिल एक्सेट्रा सिचुएटेड इन द प्लेन, समतल में स्थित वृत्त परवलय अर्ध परवलय त्रिभुज आदि का अध्ययन इस सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। प्रिय बच्चों पुनः रिपीट इंट्रोडक्शन। The coordinate geometry system was mentioned by a French mathematician and philosopher René Descartes. He gave information any object or point in a plane. He described the method of finding the location of a point in the plane with the help of two perpendicular lines. This system is still called the Cartesian system after his name. Later, this system was developed with the help of algebra. Today, we can find the distance between two points situated in the plane through this system. The midpoint
आर्क लाइंस इन द प्लेन कैन बी फाउंड थ्रू दिस सिस्टम, थ्रू दिस मेथड वी कैन स्टडी सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, ट्रेंगल एक्सेट्रा सिचुएटेड इन द प्लेन। बेटा है यस सर। प्रिय बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम, यहां पर ये बच्चों हमारा क्या होता है, नंबर लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। ये लाइन है, ओ है, ओ के राइट हैंड साइड, यानी ओ के राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड जितनी भी नंबर होते हैं, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। जीरो के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं बच्चों, निगेटिव होते हैं, ठीक है। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं ये निगेटिव होते हैं, और जीरो के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं बच्चों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें यक्स ओ यक्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। क्या है, यक्स ओ यक्स डैश इज द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस एंड वाई ओ वाई डैश इज द वर्टिकल नंबर लाइंस, ठीक है। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए टू परपेंडिकुलर लाइंस की आवश्यकता होती है। प्रिय बच्चों, हम कह रहे थे ये ब्लैक बोर्ड हमारा क्या है, प्लेन है। ये ब्लैक बोर्ड हमारा क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में यक्स ओ यक्स डैश ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस है। कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और वाई ओ वाई डैश ये वर्टिकल नंबर लाइंस है। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो नंबर लाइंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। यक्स ओ यक्स डैश को हम यक्स अक्ष कहते हैं, और वाई ओ वाई डैश को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाई अक्ष कहते हैं। जहां पर यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफरेंस पॉइंट। ओ इज द रिफरेंस पॉइंट, ओ इज द रिफरेंस पॉइंट, ओ इज द ऑरिजिन पॉइंट, क्लियर। यस सर। अब इसमें जितनी भी डिस्टेंस होती है, जितनी भी दूरियां होती है, ऑरिजिन पॉइंट से मेजर की जाती है। ऑरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऑरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यक्स अक्ष पर मापी गई दूरी जो है निगेटिव होती है। ऑरिजिन पॉइंट से वर्टिकल लाइन पर अप साइड मापी गई डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऑरिजिन पॉइंट से वाई अक्ष पर डाउन साइड यानी नीचे की तरफ मापी गई दूरी क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है, क्लियर। यस सर। यहां पर लिखा गया है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट आर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन ए प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर नंबर्स लाइन, वन ऑफ देम इज ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड द अदर इज वर्टिकल नंबर लाइन।
द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस व्हाइल द वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस. क्लियर? यस सर. कहने का आशय यह है कि समतल में स्थित किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें दो लंबवत संख्या रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक क्षैतिज रेखा होती है तो दूसरी जो है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है. सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं. कहां से मापी जाती हैं? मूल बिंदु से. मूल बिंदु से राइट हैंड साइड की तरफ मापी गई. मूल बिंदु से राइट हैंड साइड की तरफ एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मापी गई दूरी निगेटिव होती है. मूल बिंदु जिसे ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ मापी गई दूरी जो है पॉजिटिव होती है तो मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे की तरफ मापी गई दूरी जो है निगेटिव होती है. ठीक है. आर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट टू राइट हैंड साइड कंसीडर पॉजिटिव. द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस टू लेफ्ट हैंड साइड टेकन एज निगेटिव. द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस अप साइड टेकन विथ द पॉजिटिव साइन. द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस डाउन साइड टेकन विथ द निगेटिव साइन. बता दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, यक्स ओ यक्स डैश ये हमारा है. यक्स ओ यक्स डैश इज कॉल्ड यक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस. वेयर द पॉइंट यक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर कार्ड ऑरिजिन वो इज द ऑरिजिन पॉइंट. वो इज द ऑरिजिन. वो इज द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. पुनः रिपीट. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट जीरो. जीरो इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट विच इज आल्सो कॉल्ड द ऑरिजिन. कहने का आशय यह है एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष और वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहा जाता है. ओ बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है. आर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है. द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस टू राइट हैंड साइड टेकन विद द पॉजिटिव साइन. द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस टू लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ऑरिजिन टेकन विद द निगेटिव साइन. द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस अप साइड फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट टेकन विद द पॉजिटिव साइन. द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट टेकन विद द निगेटिव साइन. यही चीज यहाँ पर लिखा गया है. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट जीरो. एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जीरो पर प्रतिच्छेद करते हैं.
जीरो इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, जीरो को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, विच इज आल्सो कॉल्ड द ऑरिजिन, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। आर डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन, सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस आर टेकन विद द पॉजिटिव साइन, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर राइट हैंड साइड की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। एंड द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द एक्स एक्सिस आर टेकन विथ नेगेटिव साइन, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन इज टेकन विथ पॉजिटिव साइन, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। एंड द डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड्स ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन इज टेकन विथ नेगेटिव साइन, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन एब्सिसा विच इज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी को एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्स पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। देखिए, यहां से यहां तक हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस जो है एक्स यूनिट है। क्या है बच्चों? एक्स यूनिट। इस एक्स को हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो है वाई एक्स पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, जो एक्स अक्ष पर मापी गई है, ये वाई एक्स पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस एक्स को हम कहेंगे बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, या इसी को बोलेंगे एब्सिसा। क्या कहेंगे? एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट आर ऑर्डिनेट, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर मापी गई दूरी को ऑर्डिनेट कहते हैं, मापी गई दूरी को कोटि कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से यहां तक, ये हमारा बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, ये वाई है, ठीक है। तो वाई को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्डिनेट। ये
डिस्टेंस जो है यक्ष अक्ष पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? यक्ष अक्ष पर परपेंडिकुलर है। इसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट, ओ आर डी आई एन ए टी ई, ऑर्डिनेट। क्लियर? यानी यक्ष यक्ष ओ यक्ष डैश यक्ष अक्ष यक्ष कोऑर्डिनेट, यक्ष कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे बच्चों? आपसिसा। वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वाई कोऑर्डिनेट, या जिसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बिता दे। अब हम इसको दूसरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। प्रिय बच्चों, आपसिसा जिसे हम दूसरे टर्म में बता रहे हैं, आपसिसा जिसे हम भुज कहते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द आपसिसा, इस कार्ड का आपसिसा आर यक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द यक्स अक्ष इस कार्ड का ऑर्डिनेट। देखिए ये हमारा क्या है बच्चों? यक्स अक्ष है। ठीक है, ये क्या है? यक्स अक्ष है। और ये क्या है हमारा? वाई अक्ष है। ठीक है, यक्स ओ यक्स डैश इज कॉल्ड यक्स अक्ष एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई अक्ष। हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमने एक पॉइंट टेक कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए। ठीक, अब इस पॉइंट से y अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो है an। ये क्या है बच्चों? an। ठीक है, an जो डिस्टेंस है, an जो डिस्टेंस है, an जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं? आपसिसा। क्या कहते हैं बच्चों? आपसिसा। ठीक है, और a से यक्ष अक्ष पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एम। यहां पर एम को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। यहां पर एम हमारा ऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि ये यक्ष अक्ष पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन यक्ष अक्ष इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड आपसिसा। एन इज द आपसिसा एंड एम इज द ऑर्डिनेट। ठीक है, आपसिसा को हम बच्चों किससे डिनोट करते हैं? आपसिसा को रिप्रेजेंट किया जाता है यक्ष से। ठीक है, ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई से। यहां पर देखिए ओ एम डिस्टेंस ए एम डिस्टेंस के इक्वल है। यदि ये यक्ष है तो ये भी क्या होगा? यक्ष होगा। ये वाई है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? वाई होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया यक्ष कामा वाई। यानी इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया यक्ष कामा वाई। क्लियर? जहां पर यक्ष क्या है हमारा? यक्ष कोऑर्डिनेट है। और ये वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। यक्ष कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? आपसिसा कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए यक्ष वाई हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए इस फिगर में देखिए एक पॉइंट को हम यहां पर टेक करते हैं, यहां पर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रा हम यहां से करते हैं
इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम है बी, क्या नाम है बच्चों, बी, बी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, किस पर, यक्स अक्ष पर, इस पर ड्रा कर रहे हैं यक्स अक्ष पर, तो बी से ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसका नाम दे दे रहे हैं बी के, क्या नाम दे दिया हमने बी के, इस बी के डिस्टेंस को, इस बी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो कि यक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बीके को ऑर्डिनेट, क्या कहेंगे ऑर्डिनेट, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये मान लेते हैं बी एच, क्या मान लेते हैं बी एच, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बी एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे आपसिसा, क्या कहेंगे आपसिसा। अब देखिए यहां पर हमारा आपसिसा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है, ठीक है, ये यहां पर जीरो है, एक यूनिट टू यूनिट है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा टू, अब देखिए एक यूनिट टू यूनिट तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा टू, यहां पर ये जो टू है इसको हम क्या कहेंगे आपसिसा, और यहां पर ये जो टू है इसको क्या कहेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है, इस प्रकार जो है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया टू कामा टू, क्लियर, कोई प्रॉब्लम बिठा दे, प्रिय बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी और ये हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन, ये क्या है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, यक्स ओ यक्स डैश, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन यक्स ओ यक्स डैश, इस कार्ड यक्स अक्ष एंड वर्टिकल नंबर लाइन वाई ओ वाई डैश इज कार्ड वाई अक्ष, ठीक है, अब यहां पर हम पॉइंट ले रहे हैं वन टू थ्री फोर, इस पर वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, इसको और बढ़ा देते हैं वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर, सपोज कीजिए कि हमने एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ठीक है, या हमने यहां पर ले लिया एक पॉइंट, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ए पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, तो देखिए ए से हम वाई अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, अब ये देखिए कितने यूनिट हैं, वन टू थ्री, ये थ्री यूनिट पर है, यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई थ्री, क्लियर, इस थ्री को हम क्या कहेंगे बच्चों आपसिसा, क्या कहेंगे आपसिसा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड आपसिसा, ये थ्री हमारा आपसिसा हो गया, अब हम ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं यक्स अक्ष पर, ए से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया यक्स अक्ष पर, ठीक है, तो अब ये यक्स अक्ष पर ड्रा किया तो ये जो है हमारा क्या कहा जाएगा ऑर्डिनेट, और कई यूनिट है वन टू, ठीक है, कितने यूनिट है टू यूनिट है, ये भी कितना हो जाएगा टू यूनिट, ठीक है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा थ्री कामा टू, क्या होगा
थ्री कॉमा टू, यहाँ पर थ्री हमारा क्या हुआ आपसीसा और टू क्या हुआ बच्चों कोऑर्डिनेट। थ्री और टू को मिला देने से क्या बनता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, क्लियर। हर इसी प्रकार मान लीजिए पॉइंट हमने यहाँ पे वन टू थ्री फोर एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, ठीक है यहां पर, ठीक इस पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है इस पॉइंट को लोकेट करना है। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी, क्या नाम दे दिया बी, ठीक है। इस तरफ मापी गई जितनी भी डिस्टेंस होती है वो सब क्या होती है नेगेटिव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, और जिस तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और ये बच्चों क्या हो गया माइनस फोर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट को लोकेट करना है तो हम इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर ड्रा किसपे किया यक्स अक्ष पर है, परपेंडिकुलर ड्रा हमने किस पर किया है यक्स अक्ष पर, किस पॉइंट से बी पॉइंट से, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे ऑर्डिनेट, क्या कहेंगे ऑर्डिनेट। और ये डिस्टेंस कैसे मालूम होगा वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया थ्री को यहां पर वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं आपसीसा, क्या कहते हैं आपसीसा। तो आपसीसा कई यूनिट हो गई वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस थ्री, ऑर्डिनेट कई यूनिट हुआ वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट, ठीक है। ये थ्री माइनस थ्री कामा थ्री बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस थ्री कामा थ्री, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि एक पॉइंट को हम यहां पर ले लेते हैं, ये यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, टू को हम यहां पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पॉइंट से, ये यहां पर आया और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर किया यहां पर आया, ये है माइनस थ्री, ठीक है। अब यहां पे देखिए परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड आपसीसा फ्रॉम द पॉइंट, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड आपसीसा। तो आपसीसा यहां पर कितनी हो गई एक यूनिट दो यूनिट और थ्री यूनिट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस थ्री, आपसीसा जो है माइनस थ्री हो गई ऑर्डिनेट। एक ऑर्डिनेट चेक कीजिए प्रिय बच्चों, यहां पर हमने थोड़ा गलत बोल दिया था, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड आपसीसा। तो आपसीसा कई यूनिट है एक यूनिट और दो यूनिट, और किस साइड है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका आपसीसा हो जाएगा टू, ठीक है। ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन यक्स अक्ष इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कितना यूनिट हो गया एक यूनिट दो यूनिट और थ्री यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा टू कामा माइनस थ्री, क्लियर। कोई प्रॉब्लम इस तरह जो है कोऑर्डिनेट को लोकेट किया जाता है, मिटा दें प्रिय बच्चों। आइए इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल नंबर लाइन है, ठीक है। ये यक्स ओ
यक्स डैश और ये है वाई ओ वाई डैश। क्लियर प्रिय बच्चों? सपोज कीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, इसका नाम हमने दे दिया पी। क्या नाम दे दिया? पी। पी से इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन एक्स अक्ष से, ऑन एक्स अक्ष पर, और पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन वाई एक्स पर। ठीक है, ये है पीएन और ये है पीएम। सपोज कीजिए ओ से एम तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों? ए। और ओ से एम तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? बी है। यहां पर ओ एन पीएम के इक्वल है। यहां पर एक पॉइंट हमने लिया बच्चों पी। पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया यक्स अक्ष पर, पीएम क्या कहलाएगा? और भाई अक्षर पीएम ड्रा किया, पीएम को हम क्या कहेंगे? आपसिसा। सपोज कीजिए कि ओएन हमारा ए है तो पीएम भी क्या होगा? पीएम डिस्टेंस क्या होगा? ए। और यहां पर ओएम बी है तो पीएम भी क्या होगा? बी। पी पॉइंट क्या हो जाएगा? ए कामा बी। ठीक है, या इसको ए कामा बी होगा। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी ए भी होगा। ये हमारा क्या है? आपसिसा है। बी क्या है? ऑर्डिनेट है। इसको हम कहेंगे बच्चों क्या कहेंगे? ए हमारा यक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे इसको? यक्स कोऑर्डिनेट। यक्स कोऑर्डिनेट, यक्स कोऑर्डिनेट या आपसिसा कह सकते हैं। और यहां पर ये जो बी है इसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। या इसी को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और ये है कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट है जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ये है वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वैल्यू ऑफ ए पॉइंट, वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए समझना है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर की साइन है। इसकी साइन है बच्चों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये है बच्चों आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस।
क्लियर? यस सर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ए बी, यहां पर जो ए है ये एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है और ये जो बी है वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। ए जो है ऑफिसा को डिनोट करता है, बी जो है ऑर्डिनेट को डिनोट करता है। ए जो है वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, बी जो है वैल्यू ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। ठीक है, ए को हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, बी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, बी है। क्लियर? इसको नोट कीजिए। इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, मिटा दें। अब बच्चों लास्ट में हम क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? क्वाड्रेंट। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेंट जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, यक्स ओ यक्स डैश इज कॉल्ड यक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन यक्स ओ यक्स डैश इज कॉल्ड यक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। यक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड ए प्लेन इंटू फोर इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। यक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल को चार बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ओ एक्स के इलान ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ओ एक्स डैश के इलान ये निगेटिव कंसीडर किया जाता है, ओ वाई के इलान जो है पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ओ वाई डैश के इलान जो है ये निगेटिव कंसीडर किया जाता है। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेंट का कैलकुलेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से किया जाता है। ये इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ, यानी वाई ओ एक्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, वाई ओ एक्स डैश को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और एक्स डैश ओ वाई डैश को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, यक्स ओ वाई डैश को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑफिसा और ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑफिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया? फॉर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ ऑफिसा एंड ऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। फॉर एनी पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द ऑफिसा इज नेगेटिव, द ऑफिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। क्लियर? फॉर एनी पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोथ ऑफिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज आल्सो भी नेगेटिव। इसमें ये नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, ऑफिसा भी नेगेटिव होती है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? ऑफिसा भी नेगेटिव होती है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। ठीक है, फॉर एनी पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट द ऑफिसा इज पॉजिटिव, द ऑफिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पुनः रिपीट।
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड ए प्लेन इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल को चार बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपसा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का आपसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का आपसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसकी मीनिंग ये हो गई, जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स अक्ष एंड वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश इज कॉल्ड वाई अक्ष। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। मान लेते हैं एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 4 है ना, ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सी पॉइंट हमने ले लिया, मान लेते हैं ये 2 और 3 है, ये भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसा और ऑर्डिनेट सब क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। ये 1 ले लेते हैं, 1.2 ले लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया डी पॉइंट, यहां पर लिख दिया ये -3, 2 और 5, यानी यहां पर क्या होगा, आपसा द वैल्यू ऑफ 2 इज आपसा द वैल्यू ऑफ 5 इज ऑर्डिनेट, यानी ये क्या होगा, आपसा नेगेटिव होगी, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसमें मान लीजिए जैसे -3, 3 कहीं पे लिखा है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपसा और ऑर्डिनेट इसमें क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। जैसे इसमें मान लिया हमने 2 ले लिया और 1 ले लिया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहां पर क्या होंगे, ये पॉजिटिव होगा और -1 नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा और -1 नेगेटिव होगा। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, आने वाले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा, उसमें हम और ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।